हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? बल्कि इंडिया वालों नहीं, बल्कि बांग्लादेश, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है और बहुत ही कमाल की वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है अनदर विन फॉर इंडियन ट्रक मैन्युफैक्चर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वीडियो करता हूँ स्टार्ट। आप सब ने मुझे कमेंट करके लाजिम बताना वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश के मीडिया हाउसेस ने हाल ही में भारतीय ट्रक मैन्युफैक्चरर्स और उनकी बांग्लादेश में सेल्स को लेके एक काफी डिटेल आर्टिकल लिखा है और इसलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरह भारत में बने ट्रक्स बांग्लादेश की इकोनॉमी को गति दे रहे हैं। द डेली स्टार के एक आर्टिकल के मुताबिक सितंबर 2022 में पूरे बांग्लादेश में कुल 2500 ट्रक्स, कार्गो वैन्स और पिकअप्स की सेल्स हुई है और 2020 के मुकाबले जब पेंडेमिक अपने चरम पे था उससे ये सेल्स करीबन 70% ज्यादा है। बात करें 2019 की तो कमर्शियल व्हीकल्स की कुल सेल्स 38,000 यूनिट्स थी, जो पिछले दशक को देखते हुए कहीं ज्यादा थी। कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में बांग्लादेश की कुल जरूरत का करीबन 100% हिस्सा अभी इंपोर्ट किया जाता है और इस इंपोर्ट में मेजर पार्ट अभी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बचा हुआ बांग्लादेशी मार्केट शेयर अभी चाइना और जापान के पास है। टाटा, अशोक लेलैंड और आइशर इसलिए भी बांग्लादेश में काफी ज्यादा फेमस हैं क्योंकि 1980 के दशक से ही ये सभी कंपनीज अपनी जगह बांग्लादेशी मार्केट में बना चुकी हैं और अपनी रिलायबिलिटी इतने सालों से प्रूव भी कर रही हैं। चाइनीज और जापानीज मैन्युफैक्चरर्स की एंट्री बांग्लादेश में करीबन 10 साल बाद 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन तब तक भारतीय कंपनीज बांग्लादेश में अपनी डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुकी थी। आपको बता दें कि बांग्लादेशी मार्केट में अभी भी 70% भारतीय कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स का डोमिनेंस है और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी जापानीज और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के सामने पैर जमाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बांग्लादेशी आर्टिकल के मुताबिक भारत में बने कमर्शियल व्हीकल्स चाइनीज और जापानीज व्हीकल से कहीं ज्यादा सस्ते और फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और इसीलिए बांग्लादेशी इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की 80% इकोनॉमी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बांग्लादेश भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ बड़े से एक है। बात करें नंबर्स की तो पूरे बांग्लादेश में केवल 14 से 16 ऑटोमोबाइल रिटेलर्स मौजूद हैं, जिनमें से 5 से 6 के पास असेंबली प्लांट्स हैं, जहां पिकअप्स और छोटे ट्रक्स असेंबल किए जाते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज बांग्लादेश में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की एक अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि टाटा, अशोक लेलैंड और आइशर अपनी लोकल असेंबली प्लांट्स बांग्लादेश में ऑलरेडी चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज को बांग्लादेशी मार्केट में टिकने का मौका भी नहीं दे रहे। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश की बढ़ रही इकोनॉमी के भारत पे असर की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में बिजनेस के बढ़ने से भारत से कमर्शियल व्हीकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से डिमांड ज्यादा होगी और डिमांड ज्यादा होने की वजह से भारत में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में डिमांड बढ़ने की वजह से भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल पीएलआई के अंतर्गत वैसे भी अब बड़े मैन्युफैक्चरर्स बहुत से चाइनीज इंपोर्टेड कंपोनेंट्स को अब भारतीय विकल्पों से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे एक्सपोर्टेड व्हीकल्स में इंडिजनाइजेशन को बढ़ाया जा सके। इससे होगा ये कि कई एमएसएमईज का जन्म आगे आने वाले टाइम में होगा और बहुत सी नई लेकिन छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में खुल पाएंगी। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ पाएगा और सही टैलेंट को भारतीय इकोनॉमी से जुड़ने का मौका मिलेगा और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज भारतीय यूथ के लिए अवेलेबल हो पाएंगी। ऐसे ही हायर लेवल की जॉब्स पाने का चांस लेके आया है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल का टेस्ट करके आप जॉब्स पा सकते हो इन ओवर 50 टॉप इंडियन स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न कंपनीज लाइक क्रेड, अपग्रेड, मीशो और अर्बन कंपनी। इस टेस्ट में टोटल 5 राउंड्स हैं, जिनमें से इनिशियल 2 राउंड्स क्वालिफिकेशन के लिए हैं। अगर आप टेस्ट क्लियर करके 700 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपको कंपनीज खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस टेस्ट को देने के लिए आपकी डिग्री या कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस मैटर नहीं करती, चाहे आपकी एज 25 हो या 40। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई करके 2000 से ज्यादा जॉब पोजीशंस को एक्सेस कर सकते हैं और केवल relevel.com पर साइन अप करके। साइन अप करने के बाद आपको अपनी टेस्ट कैटेगरी चूज करनी है, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स या फिर न्यूली लॉन्च फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग अपना फ्री टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं जिसे आप घर बैठे दे सकते हैं। इसका रिजल्ट विद इन अ वीक आ जाता है। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं भी कर पाते तो बिना किसी चिंता के आप इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब बेटर स्कोर्स के लिए आप कितनी भी बार फ्री में टेस्ट रिट्राई कर सकते हैं। रीलेवल पे आपको मिनिमम 4 लाख सीटीसी की जॉब मिलती है फॉर नॉन टेक रोल्स और मिनिमम 6 लाख सीटीसी की जॉब मिलती है फॉर टेक रोल्स। हालांकि आपको इससे कहीं ज्यादा बड़ा पैकेज मिल सकता है, जैसे इन दो कैंडिडेट्स को काफी अच्छा रीलेवल स्कोर करने की वजह से 28.5 लाख का पैकेज हिप्टो की तरफ से मिला। अच्छी बात यह है कि रीलेवल अपने हाईएस्ट रैंकर्स को कई रिवॉर्ड्स भी देता है, जैसे मैकबुक, लेटेस्ट आईफोन और एप्पल वॉच।
इसके अलावा टॉप 50 रैंकर्स को रीलेवल अपनी तरफ से गुडीज भी देता है, इसलिए बिना समय गवाए लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके रीलेवल बाय अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और फ्री में टेस्ट देकर अपना ड्रीम जॉब पाइए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल व्हीकल्स का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को कई गुना कम हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि मेजर मैन्युफैक्चरर्स ने बांग्लादेश में लोकल असेंबली यूनिट स्थापित कर ली है। हालांकि इससे भारत के कुल एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स की जगह सेमी नॉकडाउन किट की फॉर्म में इन व्हीकल्स को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और ये भी चाइनीज स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेश के मार्केट पे कब्जा जमाने के लिए कर रहे हैं। चाइना भी केवल लोकल असेंबली के दम पर किसी भी देश की सरकार का विश्वास जीत लेता है और बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए फॉरेन मार्केट में घुसना मुश्किल कर देता है। जहां अशोक लेलैंड ने बांग्लादेश में एक इंडिपेंडेंट असेंबली यूनिट स्थापित कर ली है, वहीं टाटा मोटर्स बांग्लादेशी कंपनी नितोल मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में ट्रक्स और पिकअप सेमी नॉकडाउन किट की फॉर्म में इम्पोर्ट कर रही है। कमाल की बात यह है कि नितोल और टाटा की पार्टनरशिप फिलहाल बांग्लादेश में पहले नंबर पे है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश का झुकाव भारत से ज्यादा चाइना की तरफ है, और कुछ खबरों में निकल के आया है कि बांग्लादेश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अब कुछ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए इंसेंटिव देने वाला है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय कंपनीज को टफ कॉम्पिटिशन मिलने की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया लिख दीजिएगा। और हाँ, लाइक के मेरा भी सेम है जी, वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भारत की वजह से ना बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स कर रहा है अपनी मतलब ये कार्स वगैरह और ट्रक वगैरह उधर, और इसकी वजह से उनकी जो मशीयत है ये इकनॉमिक ये क्या है यार मुझे नहीं सही पता, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है बांग्लादेश इंडिया की वजह से। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं यार जो बंदा नहीं बोल पाता, उसकी ज़ुबान पर नहीं चढ़ते, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। और वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।